इस वीडियो में मैंने पिछले हफ्ते के सारे कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन लिए हैं जो मुझे लगा कि जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको जानना जरूरी, वो सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे वो सारे मैंने सिलेक्ट किए हैं। अगर आपने कमेंट नहीं भी किया था तब भी देखिए, हो सकता है कि आपके मन में जो डाउट हो उस डाउट का आंसर आपको इस वीडियो मिल जाए। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है समीर सूथर का, जो कि पूछते हैं कि सर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लैट का फॉर्म कैसे फिल करें, कहां से फिल करें। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर आप क्लॉयर बनना चाहते हैं तो क्लैट का फॉर्म आ चुका है, 31 मार्च तक डेट है और उसमें मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। तो सुनील जी, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि क्लैट के फॉर्म आप कहीं से भी भर सकते हैं, आप खुद लैपटॉप पे खुद से कर सकते हैं या फिर जहां भी रहते हैं वहां पे जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं ई मित्र या फिर साइबर कैफे वाले, आप वहां पे जाइए, आपका फॉर्म फिल कर देंगे और जो भी चीज़ है आपका एकदम सारा चीज़ वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैष्णवी कुमारी का, जो कि पूछते हैं सर मैं चश्मा यूज करती हूँ, क्या मैं ऐसे में सिलेक्ट हो सकती हूँ। इनका क्वेश्चन बेसिकली एयर हॉस्टेस के लिए था, वो बोल रहे हैं कि वो चश्मा यूज़ करती हैं तो क्या वो सिलेक्ट हो सकते हैं। तो वैष्णवी कुमारी जी, हाँ आप बिल्कुल सिलेक्ट हो सकते हैं। चश्मा ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप स्पेक्स यूज करते हैं तो आप नहीं सिलेक्ट हो सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर किसी एयरलाइन पर ये रूल हो कि आप ग्लासेज यूज़ नहीं कर सकते तो आप कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ कर सकते, ऐसी कोई रूल नहीं है। अगर वहाँ पर आप चश्मा यूज़ ना कर पाए तो आप कॉन्टैक्ट लेंस 100% यूज़ कर सकते हैं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हुए या फिर इस बिल्कुल भी आप टेंशन ना ले कि आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, आप बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है तौकीर तारिक जी का, ये बोलते हैं आई हैव पास्ड 10th क्लास विथ 86% ऑफ मार्क्स एंड आई हैव इंटरेस्ट इन बोथ मैथ एंड बायो, व्हाट वुड आई डू टेल मी। तो बेसिकली इनका कहना कि ये 10th पास किए 86% से और इनका मैथ और बायो दोनों में इनका इंटरेस्ट है, तो ये कंफ्यूज होंगे कि इन्हें मैथ से 11th में लेना चाहिए फिर बायो में लेना चाहिए। तो देखो भाई, मैं सबसे पहले आपको बता दूं तौकीर जी कि आपको जिस फील्ड में आपको जाना है पहले आप सोचो कि आपको किस फील्ड में जाना है। आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो या फिर आप इंजीनियरिंग वगैरह के फील्ड में जाना चाहते हो, आप जिस फील्ड में जाना, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते तो आप बायो लीजिए, अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते तो आप मैथ लीजिए। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। उसके अलावा बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है जहाँ पे आपको PCMB का ऑप्शन देते हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो, अगर आप पे दोनों लेना चाहते हैं तो आप PCMB लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष खेड़कर का, जो कि पूछते हैं क्या 12th बोर्ड का सिलेबस चेंज होने वाला है। सबसे पहले तो हर्ष खेड़कर आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, सारी वीडियोस देखते हैं, आप बहुत टाइम पहले से हमारे से जुड़े हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स। अब बात आती है आपके क्वेश्चन पे, जो कि था कि क्या 12th बोर्ड के सिलेबस चेंज होने वाले हैं। तो फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, हाँ अभी तो फिलहाल ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ महीने पहले, कुछ महीने कहने का मतलब कि 8-10 महीने पहले जो 12th बोर्ड का था सिलेबस वो चेंज हो चुका था। अब क्या चेंज हुआ था मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। कुछ चैप्टर मतलब उसमें हटा दिए गए थे, पहले जो चैप्टर आते थे जैसे कि केमिस्ट्री में एग्जांपल दूँ तो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट वगैरह का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में वो बोर्ड एग्जाम में आता था, लेकिन इस साल यानी कि 2020 में वो चैप्टर हटा दिया गया है, जो सॉल्यूशन है वो पहला चैप्टर माना गया। तो जो चेंज उस टाइम हुआ था वही चेंज हुआ, इधर बीच कोई चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य बुरा का, जो कि कहते हैं मुझे बनना तो डॉक्टर पर मेरा मैथ साइंस से अच्छा है, क्या करूं। तो देखो लक्ष्य, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको डॉक्टर बनना है तो फिर आपको बायो ही लेना है। और एक और बात, आपका मैथ साइंस से अच्छा है तो ये आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डॉक्टर आपको बनना है तो आप मैथ अच्छा होने की वजह से अपना ड्रीम को छोड़ दो, आप बायो लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर है अगर आपको डॉक्टर बनना है तब। उसके अलावा अगर आप कुछ और आपके मन में, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तब आप मैथ ले सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर ही बनना है तब आपको बायो लेना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आशा पाटिल जी पूछती है, वो पूछती है कि सर आई हैव अ मार्क ऑन माई फेस एट द अपर साइड बट इट इज़ अननोन टू ऑल बिकॉज ऑफ माई फ्रंट हेयर स्टाइल, सो कैन आई ज्वाइन इट और नॉट, प्लीज़ रिप्लाई। इनका भी सवाल एयर हॉस्टेस के लिए, वो कहती हैं कि उनके जो अपर हेड है वहाँ पे एक
के मार्क्स है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता क्योंकि इनकी हेयर स्टाइल की वजह से, आगे के बालों की वजह से। तो क्या ये एयर होस्टेस बन सकती है, ज्वाइन कर सकती है कि नहीं कह सकती है? हाँ, आप बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि अगर वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद दिखता है तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो नहीं दिखता तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए जैसा कि आपने बताया कि आपके हेड के ऊपर है, तो अगर आपके हेयर को ठीक करने के बाद अगर वो ढक जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ट्विंकल रोजी पूछती हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो का। वो पूछती कि भैया प्लीज़ ये बताओ, साइंस में बीएससी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद हम ये लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं 12th के 48% के बेसिस पे? तो देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आपको लॉ की पढ़ाई करने के लिए आपको LLB करना पड़ेगा, जो कि 3 साल का कोर्स होता है, और उसमें आपको 12th का 48% है तो आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें 45% मिनिमम मांगा जाता है। तो हाँ, आपने अगर ग्रेजुएशन में साइंस ले तब भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, और आपका 48% है तब भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपके क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन का कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी इस मंडे से लेकर अगले संडे तक जो भी क्वेश्चन होंगे, और जो मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, और नेक्स्ट मंडे फिर से एक वीडियो आएगी, उसमें आपके सारे क्वेश्चन के जवाब होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अभी तक देख, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए। ये चीज़ मैं बार बार बोलना भूल जाता हूँ, लेकिन मैं आज नहीं बोला, इसलिए मुझे बधाई हो इस चीज़ की। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।